बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं और मेरे साथी जो इलेक्शन कमेटी में थे, सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम आप लोगों ने जो हम पर एतमाद किया था उस पर पूरा उतरे। और इलेक्शन खुशी से पहुंचाने में कामयाब रहे, इसके लिए अल्लाह ताला का नाम रखें। उसके बाद दोनों ग्रुपों जो कंटेस्टेंट थे उनके कायदीन का भी और उनके वर्करों का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने माता पर पूर्ण साथ दिया। बहुत मुश्किल बात फैसले थे, उसमें उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल तावन किया। मैं उसका उसके लिए तमाम वर्करों का भी जिसका तुम से साथ दिया है, तमाम वर्कर का सबका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि वोट जितने थे वो जिस जो दी गई थी उसमें 100 वोट पास हुए हैं और उसमें जिसके हुए मैं साथ साथ बता दूँ बताता जाऊँगा। वाली पार्टी के साथ उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मैं ये तमाम प्रोसेस में जो जीतने वाले हैं उनको पेश की मुबारकबाद देता हूँ। मैं ये रोको ये करता हूँ कि वो जीतने के बाद मतलब अपने मामला को इस अंदाज से चलाएंगे कि जिन लोगों ने उनका साथ दिया या जिन लोगों ने साथ नहीं दिया उनसे इंसानी सहयोग किया जाएगा और उनके साथ में उसी तरह का बिहेव किया जाएगा जो आपके वर्कर से होते हैं। मैं जीतने वाला चाहिए तो करता हूँ और हारने वालों से एक लोगों की करूँगा कि वो संभल से और आइंदा इलेक्शन की तैयारी करें। हर हाल उनको उस हवाले से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मुकाबला किया उस प्रोसेस को आगे लेकर जाने में उनका तो बहुत बड़ा हाथ है। साथियों वाली पार्टी के साथ जो आपके कामयाब उम्मीदवार हुए हैं मैं उनका याद करता हूँ। सबसे पहले तो नीचे से सातवें नंबर से ही बात करूंगा। सातवें नंबर पर आए हैं जिन्होंने 58 वोट लिए हैं, उस खुश नसीब का नाम है मलक सज्जा। छठे नंबर पर आए हैं जाहिद चौधरी। पांचवे नंबर पर है आफत नवाज, इन्होंने भी 61। चौथे नंबर पर आने वाले जहीर अब्बास हैं, तीसरे नंबर पर है मुस्तफा लाशाह, दूसरे नंबर पर है सुहेल न्यास, और पहले नंबर पर आने वाले आसिफ जाकर। इन्होंने 69 वोट दिए। हमसे की रात की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, लाइव अखबार और चैनल और टीवी और ये सारे मामला होते हैं, तो सच्ची रात को बड़ा बेचारा मजरूफ और बेचारा सा होता है। उनका इंतखाब इसमें जनाब 3 वोट खाली पड़े, बस इसमें ना किसी ने राणा इरफान को दिया ना सैयद मुर्तजा को दिया, 3 वोट इस तरह खाली। और जीतने वाले जो है वो राणा इरफान है। पिछले वोट भी डाला उसमें उमर फारूक 30 वोट और मोहम्मद रजान 67। जनरल सेक्टरी की विशेष मुझे बहुत अहम होती है और इस विशेष में दोनों उम्मीदवार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन मिलनसार, इसमें कोई खामी नहीं थी दोनों में किसी की, लेकिन दोस्तों ने जिसको मंतव्य करना था उनको किया। और इसमें
चार वोट जो है हामी जी मुश्किल हुए मुश्किला के शहर चार आदमी किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे जी नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि आज सारे दिन का जो इलेक्शन हुआ, आज दोस्त पैनल को फतह हुई और चौधरी इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इन्होंने अभी आज एक ग्रांट का ऐलान किया है, सर जी वो क्या है कि आपने फोटो जर्नलिस्ट पैनल को ये बताया है कि हमें सीएम साहब की तरफ से कोई ग्रांट भी मिली है जिसके लिए हम जो जर्नलिस्ट साफी हैं उनके लिए पैनल के ऊपर काम भी करेंगे, सर ये कुछ बताइएगा। इंशाल्लाह ताला जी जो ग्रांट मिली है फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मिली है और मैं ये समझता हूँ कि इस ग्रांट से हम अपने सारे इवेंट जो है एग्जीबिशन का है, लोगों की भलाई के लिए है, तो ये सारे काम उसी से हमने करने हैं। इंशाल्लाह ताला एक दो लोग ये हमारे अकाउंट में आ जाएंगे और उसमें अल्लाह ताला बेहतरी कर देगा और आज के इलेक्शन की भी सिर्फ पता जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से है, पता नहीं तो हम इस काम नहीं है। जी नेशनल न्यूज़ की तरफ से आपके पूरे पैनल को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने पूरे पैनल को क्लीन स्वीप किया। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जो आपने सारा दिन यहाँ की कवरेज की और जो लोगों को दिखाया, इसका लिए बहुत आपका शुक्रिया।